अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कॉस 510 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इक्वल टू -1। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। अब आप एक एक पद को अलग अलग से हल करके इसका मान आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं सभी पदों को, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलिए, ये है कॉस 510 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री। 510 जो डिग्री है, 510 डिग्री, ये 360 से बड़ा है लेकिन 720 से छोटा है, तो इसे हम 360 प्लस थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कॉस 360 प्लस 150 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 510 डिग्री। इसी तरीके से कॉस 330 है, ये नियर अबाउट है 360 के, 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा है, तो ये चौथे चतुर्थांश पर कहीं पर होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 360 ऋण 30 डिग्री। तो इसे जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 330 प्लस साइन 390, ये 360 से बड़ा है लेकिन 720 से छोटा है, सबसे पास में है ये 360 के, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 30 डिग्री। 360 और 30 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 390। और कॉस 120 को आप कॉस 90 प्लस 30 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपको पता है। इसी तरीके से साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। और 90 प्लस थीटा का मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें जो मान मिलेगा ये माइनस साइन 30 के फॉर्म पे होगा। अब फिर से ये जो कॉस 150 डिग्री है, इसे आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30, और ये कॉस 30 डिग्री, ये माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम इसे लिख देंगे माइनस साइन साइन 30 साइन 30, तो साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये कि द्वितीय चतुर्थांश पर है और द्वितीय चतुर्थांश पर कॉस नेगेटिव होता है, तो इस वजह से आ जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और ये अगेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30। इसे आगे हल करेंगे तो कॉस 30 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर देखिए अगर इसमें माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये 1 होता है। क्यों? चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर अगर थीटा को मैं 30 डिग्री से रिप्लेस कर दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा, और ये इसकी वैल्यू होगी 1। तो अल्टीमेटली हमें जो आंसर मिला ये माइनस 1 मिला। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पे पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉस 90 प्लस थीटा सेक ऑफ माइनस थीटा इंटू टेन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन सेक ऑफ 360 माइनस थीटा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये इक्वल टू माइनस 1 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पर एक बार लिख लेंगे, आगे हल करेंगे। तो देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्ति बदल जाती है, कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन में चेंज होता है, लेकिन 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश पर है और कॉस दूसरे चतुर्थांश पे नेगेटिव होता है, तो इसे हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। पहले पद को जब हमने हल किया तो हमें मिला
माइनस साइन थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से सेक ऑफ माइनस थीटा जो होगा ये आपको मिल जाएगा सेक थीटा। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद टेन 180 माइनस थीटा, देखिए ये 180 है, 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश पर आएगा और दूसरे चतुर्थांश पर टेन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा इसका मतलब है ये चौथे चतुर्थांश पर आएगा और चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा ये तृतीय चतुर्थांश पर आएगा लेकिन यहाँ पर साइन निगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है पहला चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, लेकिन 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोण 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय फलन जो है वो बदल जाते हैं, तो कॉट किस में चेंज होता है, टेन में चेंज होता है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे टेन थीटा। अब देखिए ये सेक थीटा और ये सेक थीटा कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा ये भी कैंसिल हो गया, ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो इसे जब आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पर पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस प्रकार यह सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन माइनस 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस 660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री इक्वल टू माइनस वन। ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है साइन ऑफ माइनस 420 डिग्री कॉस ऑफ 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 660 डिग्री इंटू साइन ऑफ 330 डिग्री। तो देखिए ये 420 डिग्री है, 420 का मतलब है ये 360 से बड़ा है, अगर मैं 420 में 360 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये कि 420 इक्वल टू 360 प्लस 60 डिग्री हम ऐसा लिख सकते हैं। और साइन ऑफ माइनस थीटा, आपको ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस साइन, और थीटा 420 को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 60, तो हमने लिख दिया 360 प्लस 60 डिग्री। कॉस 390 डिग्री ये 360 अंश से बड़ा है, कितना बड़ा है, 30 अंश बड़ा है, तो हम लिखेंगे कॉस 360 प्लस 30 डिग्री, 360 प्लस 30 करेंगे तो आपको 390 मिल जाएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा ये कॉस थीटा होगा, और कॉस 660 डिग्री, ये 660 डिग्री जो है ये बहुत पास है 720 डिग्री के, तो 660 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री माइनस 60। इसका मतलब ये कि 720 में अगर आप 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिल जाएगा 660 डिग्री, तो ये जो 660 डिग्री है इसे हम लिख सकते हैं 720 माइनस 60, और 720 का मतलब क्या है, 2 इंटू 360 माइनस 60 डिग्री, और साइन 330, साइन 330 को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री। चलिए आगे हल करते हैं, ये माइनस है साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस ऑफ एन इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस ऑफ एन टाइम्स 360 माइनस थीटा इक्वल टू अगेन कॉस थीटा, तो ये 2 इंटू 360 माइनस थीटा के फॉर्म पर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस 60 डिग्री। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश पर आएगा और ये ऋणात्मक होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस साइन
30 डिग्री, ये हो गया माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ये माइनस साइन यहाँ पर ले लेंगे, फिर हमें मिल जाएगा कॉस 60 और ये साइन 30 डिग्री। सीधे मान रखना चाहें तो हम सीधे मान रख सकते हैं, माइनस साइन 60 ये होता है रूट 3/2, कॉस 30 ये भी होता है रूट 3/2, कॉस 60 1/2 और साइन 30 ये भी 1/2। रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 2 इंटू 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4, माइनस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। देखिए दोनों का लघुत्तम समापवर्त सेम आएगा, ये आएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 बाई 4 इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पर पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आप आगे जाएंगे और पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि इस पूरे पद में हम माइनस को कॉमन ले लें तो मुझे मिलने वाला है साइन 60, देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, इसको इससे मैच कीजिए तो आपको मिलेगा ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 डिग्री, और साइन 60 प्लस 30 ये होता है साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर माइनस साइन को अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस साइन के साथ अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं और या फिर आगे जो फंक्शन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फार्मूले का उपयोग करके भी इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी में सिद्ध कीजिए, इसमें पहला सिद्ध करना है हमें कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू जीरो। तो इसे हल करने के पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश या फिर पाई रेडियन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी एक फंक्शन पे है और दूसरा c जो है वो अलग से है, तो मैं c को पक्षांतर कर दूंगा राइट हैंड साइड पर तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। अब यहाँ पर cos फंक्शन को इस्तेमाल किया गया तो दोनों पक्षों में अगर मैं cos ले लूँ तो मुझे मिलेगा cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cos ऑफ 180 माइनस सी, कॉस 180 माइनस थीटा। चलिए पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो 180 माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश पर आएगा और द्वितीय चतुर्थांश पर कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये माइनस कॉस सी। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हमें मिल गया माइनस कॉस सी। ये जो राइट हैंड साइड में उसे हम लेफ्ट साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ सी इक्वल टू जीरो, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू। यहाँ पर ए और बी ये कंप्लीट एंगल में था लेकिन यहाँ पर ये हाफ एंगल में है, तो हम इसी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे कि कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर ए प्लस बी दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ ए प्लस बी को रखेंगे और इसे हम 180 माइनस सी कर देंगे डिवाइडेड बाई टू। तो दोनों पक्षों में आप दो का भाग कर दीजिए
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू, इन दोनों को अगर आप अलग अलग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 180 अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 90 माइनस सी अपॉन टू। देखिए यहाँ पर कॉस का इस्तेमाल किया गया, इधर ये साइन है, तो पहले हम दोनों पक्षों में कॉस ले लेते हैं, तो कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी अपॉन टू। तो आपने ये पढ़ा है कि 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्ति बदल जाती है, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, और 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश पर है, सभी त्रिकोणमिति फलन धनात्मक होते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन सी बाई टू। तो हमें मिल गया कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू साइन सी बाई टू, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसमें तीसरा प्रश्न है, टेन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉट सी बाई टू, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसी कंसेप्ट का हमें यूज़ करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। यहाँ पर भी देखिए कि ये ए प्लस बी है और सी राइट साइड पे है, तो हम भी यही करते हैं, सी का पक्षांतर कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 180 माइनस सी बाई टू है, तो दोनों पक्षों में हम दो से भाग कर देते हैं, इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 90 ऋण सी बाई टू। अब है ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू, इधर टेन है, दोनों पक्षों में हम टेन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा टेन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू टेन 90 माइनस सी बाई टू। 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाती है, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कॉट सी बाई टू, और 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश पे सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति धनात्मक होती है, तो इस तरीके से हमें मिल गया टेन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉट सी बाई टू, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी व डी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष कोण हो तो सिद्ध कीजिए कॉस 180 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो एक वृत्त है और इसके अंतर्गत एक चतुर्भुज है, इसके चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो ऐसा जो त्रिभुज होता है, तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ए बी और सी और डी यदि हम शीर्ष का नाम दे दें, तो यहाँ पर एंगल जो है सी, ये डी, ये ए और ये बी। चक्रीय चतुर्भुज में यह गुणधर्म होता है कि ये जो सम्मुख कोण है ए और सी, ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, उसी तरीके से कोण बी और डी का योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, इसे और आगे हल करें तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर 180 अंश ऋण कोण ए, और इसे हम नाम देते हैं समीकरण एक का। इसी तरीके से हम दूसरे कोण को भी ले सकते हैं, कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश, और आगे इसे हल कर सकते हैं। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें ज्ञात करना है दिया गया है, कॉस 180 माइनस ए प्लस
कॉस 180 प्लस कोण बी प्लस कॉस 180 प्लस सी और माइनस साइन 90 प्लस डी। तो देखिए ये 180 माइनस ए है, यहाँ पर ये एंगल मैच हो रहा है, तो इसे हम कॉस सी लिख सकते हैं। कॉस सी ये किससे? समीकरण एक से, एक से ये कॉस सी हो गया। 180 प्लस बी, तो चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोण बी बराबर 180 अंश ऋण कोण डी, और इसे हम दूसरा समीकरण नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर है कोण 180 प्लस बी, तो दोनों पक्षों में अगर मैं, या फिर ये काम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो कोण बी है 180 ऋण डी है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 180 प्लस 180 माइनस डी प्लस कॉस 180 प्लस सी, ये हमें मिल जाएगा कॉस सी। लेकिन देखिए पहले चतुर्थांश पर ऑल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश पर टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश पर आएगा और यहाँ पर कॉस निगेटिव होता है, इस वजह से हम लिखेंगे माइनस कॉस सी। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति फलन जो है वो बदल जाता है, तो यहाँ पर हमें पहले तो मिल जाएगा कॉस डी, और 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश पर है और दूसरे चतुर्थांश पर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो इस वजह से हमें मिलेगा माइनस कॉस डी। कॉस सी, अब देखिए 180 प्लस 180 360, 360 माइनस डी, तो कॉस 360 ऋण थीटा, ये होता है कॉस थीटा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस डी, और ये है माइनस कॉस सी, और ये है माइनस कॉस डी। कॉस सी ये प्लस है और ये माइनस है, ये कॉस डी प्लस है और ये कॉस डी माइनस है, ये सब कैंसिल होकर के अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा ज़ीरो। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पर पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर यदि ए बी सी व डी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष कोण हो तो कॉस 180 माइनस ए प्लस कॉस 180 प्लस बी प्लस कॉस 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए टेन 720 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इक्वल टू 1/4, ये हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, यहाँ पर है टेन 720 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री। 720 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 360, 360 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 720 अंश। दूसरी बात ये कि इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री। दूसरा है कॉस 270, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 270 प्लस अगेन 0 डिग्री। फिर माइनस साइन 150 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, कॉस 120। तो कॉस 120 की वैल्यू अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिखिए, और नहीं तो इसे लिखिए कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, टेन एन इंटू 360 प्लस थीटा, ये होता है टेन थीटा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टेन 0 डिग्री। 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति फलन बदल जाता है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 0, और 270 प्लस चौथे चतुर्थांश पर आएगा, और यहाँ पर जो साइन होता है वो, यहाँ पर कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये प्लस साइन 0 हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश पर होगा, और ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन, ये माइनस से निष्का है, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से ये साइन 30 इंटू
कॉस 90 प्लस 30 द्वितीय चतुर्थांश पर आएगा, और 90 प्लस थीटा है तो कॉस जो हो जाएगा वो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30, और कॉस जो द्वितीय चतुर्थांश पे ऋणात्मक होता है इस वजह से हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस साइन 30°। टेन 0 0 साइन 0 0 माइनस और माइनस प्लस साइन 30 और साइन 30 आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर 30°, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/4। यहाँ पर देखिए हम राइट हैंड साइड पर पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यह सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है जहाँ पर हमें सिद्ध करना है साइन 780° इंटू साइन 480° प्लस कॉस 120° इंटू साइन 150° इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड तक हम पहुंच जाएंगे। साइन 780° इंटू साइन 480° प्लस कॉस 120° टू साइन 150°। अब यहाँ पर जो कोण दिए गए हैं 780°, 480°, 120 और 150, इसे हमें सरल करके लिखना है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं, पहले थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ये जो 780° है, ये देखिए, ये 720 प्लस 60 लिख सकते हैं, 720 में 60 को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 780, और ये जो 720 है इसे आप 2 × 360 अंश लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 × का मतलब है यहाँ पर जो एंगल है ये 2 चक्कर पूरा कर चुका है। तो इस तरीके से 780° को आप लिख पाएंगे 2 × 360 प्लस 60°, ये 780 हो गया। 480 डिग्री को आप 360 अंश में 120 अंश को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 480 अंश। तो इस तरीके से 480 को आप लिख सकते हैं 360 प्लस 120। कॉस वहाँ पर 120 है, 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30°, और 150 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 30°। तो इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं। इक्वल टू साइन 780 को हम लिख रहे हैं, ये 2 × 360 प्लस 60°, फिर साइन 480, साइन 480 ये आ जाएगा 360 प्लस 120°, फिर प्लस कॉस 120 को आप लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, और साइन 150 को लिखेंगे साइन 180 माइनस 30°, इक्वल टू साइन 2 × 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर है 60°, इंटू साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 120 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा। चलिए पहले चतुर्थांश पर साइन, दूसरे में, पहले चतुर्थांश पर सभी पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश पर साइन, तीसरे में टेन, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा, पहली बात है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बदल जाएगी साइन कॉस में, 90 प्लस थीटा में यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश पे कॉस निगेटिव होता है, तो इस वजह से ये माइनस साइन 30° होगा। फिर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश पर है, और ये इस तरीके से हमें मिल जाएगा साइन 30°। चलिए आगे चलते हैं। साइन 60 और साइन 120 को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे माइनस साइन 30, और अगेन ये साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस, पहले तो ये साइन जो होगा ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, तो हम पहले लिख देंगे कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा ये दूसरे चतुर्थांश पर आता है, यहाँ पर साइन जो होता है धनात्मक होता है, तो इस वजह से ये कॉस 30 होगा। फिर माइनस साइन 30, और ये साइन 30 है तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 30° हो जाएगा। तो इसमें हम मान रख देंगे साइन 60 √3/2 कॉस 30, अगेन √3/2 और साइन 30 1/2 का स्क्वायर। तो इसे जब आप हल करेंगे तो 3 × 3 √3 √2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4, और इसे जब और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2। तो इस तरीके से देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और हम राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं,
तो इस तरीके से सिद्ध होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर साइन 780 इंटू साइन 480 प्लस कॉस 120 इंटू साइन 150 इक्वल टू 1/2। तो इसी तरीके से आप और भी प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन 600 इंटू कॉस 390 प्लस कॉस 480 इंटू साइन 150 इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, साइन 600 इंटू कॉस 390 प्लस कॉस 480 इंटू साइन 150। तो इसमें भी हम 600 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हैं ये देखिए। 600 को हम लिख सकते हैं 720 माइनस 120 डिग्री। 390 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री। 480 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 प्लस 120 डिग्री। और 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30 डिग्री। देखिए 720 का मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल है ये दो चक्कर लगा चुका है। 360 0 डिग्री और 360 डिग्री की लाइन यही होती है। 180 ये 0 है, ये 90 है और ये 180 है। तो इस तरीके से ये जो चतुर्थांश में जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 90, 180, 270 और 360, इसी के प्लस माइनस के रूप में हम किसी भी एंगल को लिखते हैं और आगे हल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। साइन 600 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 720 माइनस 120 इंटू कॉस 360 प्लस 30 डिग्री। और फिर ये प्लस कॉस 480, ये आ जाएगा कॉस 360 प्लस 120 डिग्री। और साइन 150 इसे हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 720 इक्वल टू 2 टाइम्स 360। तो यहाँ पर आपको पता है कि साइन n टाइम्स 360 माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह में 120 है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस साइन 120 कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, फिर अगेन कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। आगे हल करते हैं। साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और ये कॉस 30 पहले से है। इसी तरीके से कॉस 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और ये साइन 30 यहाँ पर है। साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश पर है, तो साइन दूसरे चतुर्थांश पर धनात्मक होता है, इस वजह से साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा और फिर ये कॉस 30 डिग्री। फिर देखते हैं कॉस 90 प्लस 30, पहली बात है त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएगा साइन 30, दूसरे चतुर्थांश पर है ये 120 डिग्री, तो ये दूसरे चतुर्थांश पर कॉस निगेटिव होता है, इस वजह से हम लिखेंगे माइनस कॉस 30 और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 30। इसे आगे हल कीजिए, माइनस कॉस 30 कॉस 30 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर कॉस 30 और साइन 30 की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा, या फिर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर आएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा को 30 डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हमें यह मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिलेगा माइनस 1 जो कि है राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह सिद्ध हुआ। तो आगे हमें सिद्ध करना है टेन 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस टेन 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पर जो एंगल आ रहे हैं 225, 405, 765 एंड 675, इसे हम थोड़ा आसान तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 270 माइनस 45 डिग्री। इसी तरीके से
405 को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 765 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 प्लस 45, या फिर 2 × 360 प्लस 45, और 675 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 माइनस 45 डिग्री। तो इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, 10 × 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस 10 × 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री। चलिए 10 × 225 को हम लिखेंगे 10 × 270 माइनस 45 डिग्री, कॉट 405 तो मिल जाएगा कॉट 360 प्लस 45 प्लस 10 × 675, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 360 प्लस 45 डिग्री इंटू ये जो कॉट 675 है इसे आप लिखेंगे कॉट 720 माइनस 45 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, देखिए 270 माइनस थीटा, त्रिकोणमितीय फलन बदल जाएगा, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में, 270 माइनस थीटा ये तृतीय चतुर्थांश पर आएगा और 10 यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इस वजह से 10 × 270 माइनस 45 ये आपको मिलेगा कॉट 45, कॉट 360 प्लस थीटा ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट 45 प्लस 10 × 2 × 360 प्लस 45 ये भी आपको मिल जाएगा 10 × 45, और ये जो कॉट 720 माइनस 45 है तो ये जो 720 है इसे आप क्या लिख सकते हैं 2 × 360 माइनस 45, ये दूसरा चक्कर लगा करके ये फिर से चौथे चतुर्थांश पर आ गया है, और चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं लेकिन कॉट निगेटिव होता है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री। तो देखिए कॉट 45 वन ये माइनस साइन को हम यहाँ पर ले लेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा, 10 × 45 और cot 45 वन होता है तो 1 − 1 दैट इज़ 0, तो देख रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुँच चुके हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि सिद्ध हुआ। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पर, जहाँ पर है यदि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 हो और एक्स द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है, तो शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। साइन एक्स 3/5 है और एक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश पर स्थित है, चलिए एक रफ स्केच बना लेते हैं, ये पहला चतुर्थांश है और ये दूसरा चतुर्थांश है, तो यहाँ पर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई बिंदु होगा और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कोण, ये हमें एक्स दिया गया है। साइन हल पहले हम लिखेंगे दिया गया है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये अनुपातिक तौर पर हम लिख सकते हैं कि लंब जो है वो 3 होगा और कर्ण जो होगा ये 5 इकाई होगा, लंब 3 इकाई है और कर्ण 5 इकाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके भी हम इसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, कर्ण क्या है 5 इकाई दिया गया है, आधार का
वर्ग है यहाँ पर, आधार हमें ज्ञात करना है, और लंब ये 3 इकाई है। इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 कल टू ये आधार का वर्ग धन 9, या फिर आधार का वर्ग बराबर 25 ऋण 9 = 16। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली मिलने वाला है आधार की जो लंबाई है ये 4 इकाई हमें मिलेगी। तो लंब हमें पता है, कर्ण हमें पता है, और आधार हमें पता है, तो शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी विधि भी हो सकती है। साइन एक्स का मान आपको पता है, और हमने सर्वसमीका पढ़ा हुआ है, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन एक्स का मान आपको पता है, कॉस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये चर राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो हम थीटा को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसे आगे हल कर लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स 3/5 का यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा। इसे आगे हल करेंगे तो मिलेगा 1 - 9/25, और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 25 - 9/25। लघुतम समय पर हमें यहाँ पर 25 मिलेगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 - 9 16/25 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 4/5, ये हमें मिल गया। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, कॉस एक्स ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है 4 इकाई है, और कर्ण क्या है 5 इकाई है। तो देखिए ये पिछली कक्षा में आप पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर हमने सर्वसमीका का उपयोग करके कॉस एक्स का मान ज्ञात कर लिया है। साइन एक्स आपको पता है, कॉस एक्स आपको पता है, तो यहाँ से आप टेन एक्स निकाल सकते हैं। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स 3/5 और कॉस एक्स 4/5। तो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि इस तरीके से दो भिन्नों के अनुपात को किस तरीके से हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 और ये 4 और ये ऊपर में 5, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा 3/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 3/4। लेकिन इन सब को हल करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश पर सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो अभीष्ट उत्तर है या जो हमें उत्तर चाहिए, अभीष्ट हल ऐसा लिखेंगे, और यह भी लिखना आवश्यक है कि चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है, इसलिए क्या होगा, साइन x तो हमें पता है ये 3/5 है, तो कोसेक x जो होता है ये 1/sin होता है, तो यहाँ से आप इसको 5/3 लिख सकते हैं। अब कॉस एक्स दूसरे चतुर्थांश पर ऋणात्मक होगा, इसलिए यह -4/5 लिखेंगे। सेक एक्स कॉस एक्स का व्युत्क्रम होता है या फिर 1/cos x होता है, तो यहाँ से हम इसे क्या लिखेंगे, -5/4 हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से टेन भी दूसरे चतुर्थांश पर ऋणात्मक होता है, तो हम लिखेंगे -3/4, और कॉट एक्स टेन एक्स का व्युत्क्रम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट एक्स बराबर -4/3। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि कोई बिंदु किसी भी चतुर्थांश पर स्थित है और हमें एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का अनुपात ज्ञात है, तो हम किस तरीके से शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी एक त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है तो शेष त्रिकोणमितीय फलनों को आप ज्ञात कर सकते हैं उसी कोण के लिए। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अभी हमने सर्वसमीका का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर हमने टेन एक्स का मान साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के रूप में हल कर लिया है। और भी दो शेष सर्वसमीकाएँ हैं, जैसे कि 1 + tan²θ = sec²θ, उसका भी इस्तेमाल करके आप शेष त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कर सकते हैं।